हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। मैं आप सबका वेलकम करता हूँ अपने गार्डन चैनल पान के गिवर में। आज का मेरा टॉपिक है वाटर स्पिनच। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। इसे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी इसे कटिंग से ही ग्रो किया है। इस समय ये आपको बाज़ार में काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। आप इसे ले आइए और 10 से 15 कटिंग इसकी लगा दीजिए। ये काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और कुछ ही समय में हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार हो जाता है। ये मेरा 10 दिन का रिज़ल्ट है। इसे मैंने 10 दिन पहले ग्रो किया था और देखिए, ये 10 दिन में ही हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया। इसमें से कुछ कटिंग ने वाइन का रूप लेना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं इसकी आज हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। देखिए, ये मैंने एक बड़े से टब में ग्रो किया है। इसमें ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें पहले से 2 लौकी के प्लांट लगे हुए हैं। कुछ स्पेस नीचे खाली था, तब मैंने इसमें 4-5 कटिंग लगा दी है वाटर स्पिनच की। और ये मैंने पॉली बैग में ग्रो किया है। इसमें भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये फुली शेड में रखा हुआ था, इसलिए इसकी ग्रोथ थोड़ी कम है। अब मैंने इसे छत पर रख दिया है। अब इसे मिनिमम 5 से 6 घंटे की धूप मिलती है। ये मैंने वेस्ट मटेरियल में भी ग्रो किया है। इसमें भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखिए, एक शैलो पॉट है, इसमें भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसकी ग्रोथ देखिए, इसने वाइन का रूप ले लिया है। ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये फुली शेड में रखा हुआ था, जहाँ पर इसे दोपहर की 2 से 3 घंटे की धूप लगती थी, पर वो डायरेक्ट इस पर नहीं पड़ती थी, इसलिए इसकी ब्रांच काफ़ी लैगी हो चुकी हैं। अब मैंने इसे फुल सन में रख दिया है, जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप इस पर पड़ती हैं। अब ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। तो चलिए देखते हैं कि वाटर स्पिनच को कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। ये कुछ वाटर स्पिनच की कटिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें एरियल रूट्स आए हुए हैं, इसलिए आप इसे कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर इनमें एरियल रूट्स नहीं आए हुए होते हैं, तब भी आप इसे कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इन्हें अलग अलग पॉट में ग्रो किया है। तो सबसे पहले मैं पॉली बैग में ग्रो कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कटिंग की एक्स्ट्रा लीफ हटा दी हैं। एक्स्ट्रा लीफ कटिंग की हटा देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं पॉली बैग में आपको ग्रो करके दिखाता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसे किसी भी मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे मिट्टी में इस तरीके से दबा देना है। इनका 100% रिज़ल्ट आता है। मैंने इस पॉली बैग में जितनी भी कटिंग लगाई थी, सभी अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं और उसका रिज़ल्ट भी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया था। तो ये मेरा एक पॉट तैयार हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें वाटरिंग करनी है। वाटरिंग पहली बार आप जब भी करें, अच्छे से करें। तो ये मेरा एक पॉट तैयार हो चुका है। ये मेरी कुछ और कटिंग्स हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनमें से कुछ में एरियल रूट्स हैं और कुछ में नहीं हैं। ये मेरा एक वेस्ट मटेरियल है, इसमें भी मैंने कुछ कटिंग ग्रो की हैं। इसका रिज़ल्ट मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया था। तो इस पॉट में मैंने पहले से वाटरिंग कर रखा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस कटिंग लेना है, इसमें मिट्टी में दबा देना है। इस तरीके से आपको मिट्टी में दबा देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने सभी कटिंग इसमें लगा दी हैं। इसका रिज़ल्ट वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको दिखा दिया था, वो 10 दिन का रिज़ल्ट था। तो चलिए 10 दिन के बाद हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं। Thank you.
यह मेरी फर्स्ट हार्वेस्टिंग। जब वाटर स्पिनच दोबारा हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होगा तब मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।